अखंड प्रताप सिंह, माँ सरस्वती ट्रैक्टर फिरोजाबाद से जनपद के सभी किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में बताना चाहता हूँ कि इस त्यौहार हम केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे और कोरोना वायरस के चलते हुए इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल हो गए चलते हुए, लेकिन पहले दिन से माननीय योगी जी, माननीय स्वतंत्र देव जी और भाजपा के समस्त विचार परिवार का ये एक स्पष्ट सोचना है, जनता की सरकार है, जनता की सेवा जनता के दरवाजे पे जाकर करनी चाहिए। उसी भावना से हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं और हर तीसरे चौथे महीने कैंप लगाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत संबंधी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन लिए जा रहे हैं जिनकी किस्तें नहीं आई उनकी निराकरण हो रहा है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, 10 से अधिक जनसेवा केंद्र हैं, किसी को ऑनलाइन करना है आय प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का CMO कार्यालय का दिव्यांग की उसके लिए यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, पूरा विभाग के लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी भी सामाजिक क्षेत्र की योजना है, सोशल सेक्टर, उसमें बिचौलिए किसी का उत्पीड़न नहीं कर सके, किसी को बहका ना सके, उसके निमित्त यहाँ पर ये शिविर लगे। इस शिविर में भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता, सम्माननीय पार्षदगण, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता और सम्माननीय मीडिया के बंधु, आप सबका सहयोग है। यह अकेला काम मैं तो कर नहीं सकता, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की भावना यही है कि योगी जी का नेतृत्व है, सुकंदर जी का नेतृत्व है, स्थानीय स्तर पर हम सब लोग मिलजुल कर सेवा करना चाहती है जनता की, और बीच के जो लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर मौका नहीं मिलना देना चाहते कि वो किन्हीं सीधे सच्चे लोगों को बहका सकें या उनको सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में बाधा बनने का उनका कोई मंसूबा पूरा नहीं होने देना चाहिए। संजय राठौर, वार्ड नंबर 42, प्रतिनिधि श्रीमती संतोषी राठौर पार्षद जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को। सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए होली का पर्व सावधान तौर पर मनाया जाए, कोई माहौल से उनसित ना रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामना क्षेत्रवासियों।